शहरी कायद में कायम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धमाका हुआ है, जिसमें खुशकिस्मती से कोई जख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक सदर में कायम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मगरिब के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ सदर और अतराफ के इलाकों में सुनी गई। पुलिस के मुताबिक धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफिस की दीवार मुतासिर हुई है। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि धमाका खेज मवाद शॉपिंग बैग में इलेक्शन कमीशन की इमारत के बाहर रखा गया था। रश ना होने की वजह से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंचकर मुकाम को सील करने के बाद शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि धमाके की नौइयत के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। एसएसपी साउथ साजिद सदुजई ने जाए वकूआ का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि धमाके में 500 ग्राम देसी साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका तकरीबकारी है, जो कि मुमनका तौर पर खौफ व हराज फैलाने के लिए किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से भी कोई सिलसिला हो सकता है।